सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से कमी की है। पेट्रोल 32 पैसे प्रति लीटर और डीजल 85 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया। नई कीमतें आधी रात से लागू होंगी, लेकिन इसी के साथ पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। पेट्रोल पर 75 पैसे और डीजल पर 1.83 रुपये पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। इसका मतलब यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आई कमी का पूरा फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंच पाएगा। पीटीआई के मुताबिक तेल कंपनियों ने क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का फैसला किया। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के मामले में गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। सलविंदर का यह लाई डिटेक्टर टेस्ट अगले हफ्ते किया जाएगा। इस बात की जानकारी आज गृह मंत्रालय ने दी। ऐसा बताया जा रहा है कि एनआईए सलविंदर सिंह से पूछताछ करने के बाद संतुष्ट नहीं है और बयानों में पेंच है। एनआईए ने लगातार 5 दिन तक सलविंदर से पूछताछ की है। एसपी के अलावा एनआईए के अधिकारी उस कुक और पंचपीर दरगाह के केयरटेकर से भी पूछताछ कर रहे हैं। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद आंतरिक सुरक्षा को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आईबी और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पठानकोट हमले की जांच की समीक्षा की गई। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई कि कैसे देश के बॉर्डर को और सुरक्षित बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि बैठक में सेना के ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाने और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर 2 जनवरी की सुबह आतंकवादियों ने हमला बोला था। 3 दिनों तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया। एनकाउंटर में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 7 जवान शहीद हुए थे। एयरबेस पर हमले की जिम्मेदारी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल हाईवे स्क्वाड ने ली, जिसका मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर है। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की हिरासत को लेकर पाकिस्तान ने अभी तक खुलकर अपना रुख साफ नहीं किया है। मसूद की हिरासत पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मसूद अजहर को गिरफ्तार करने के बजाय प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया है। साथ ही राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मसूद के साथ उसके कुछ साथियों को भी कस्टडी में लिया गया है और पठानकोट हमले की अगर जांच में मसूद का हाथ पाया गया तो उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा। वहीं राणा सनाउल्लाह के बयान को जैश ए मोहम्मद ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि 13 जनवरी की शाम पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से पहली बार जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की हिरासत की खबर आई थी। इसके बाद 14 जनवरी को मसूद अजहर ने जैश की ऑनलाइन पत्रिका अल कलाम के जरिए भारत पाक को धमकी दी। इसके बाद 14 जनवरी को भारत पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने मसूद अजहर की हिरासत की जानकारी से इनकार किया। 15 जनवरी यानी आज के लिए तय विदेश सचिवों की बैठक टाले जाने की भी जानकारी दी गई। पंजाब में ड्रग्स के काले कारोबार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। एक सर्वे में पता चला है कि पंजाब में पाकिस्तान सालाना 7500 करोड़ का जहर का कारोबार चला रहा है। यानी पाकिस्तान पंजाब के रास्ते न सिर्फ आतंकी भेज रहा है बल्कि नशेड़ियों की फौज भी खड़ी कर रहा है। पंजाब के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 2,77,00,000 की आबादी वाले इस राज्य में करीब 1,25,00,000 लोग हेरोइन के आदि हैं। 2,30,000 लोग नशे के चंगुल में फंस चुके हैं। पंजाब में ड्रग एडिक्ट लोगों का अनुपात दुनिया से 4 गुना ज्यादा है। एम्स के सर्वे के माने तो पंजाब में ड्रग्स के सेवन पर रोजाना लोग 20 रुपए खर्च कर रहे हैं और ड्रग्स का आदि एक शख्स रोजाना 14 रुपए खर्च कर रहा है। 18 से 35 साल के बीच 100 में से 4 पुरुष ड्रग एडिक्ट हैं, जबकि ओवरऑल 100 में से 15 लोग एडिक्ट हैं। करीब 75,000 लोग ऐसे एडिक्ट हैं जो सिंथेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल इंजेक्शन के जरिए करते हैं। इसे एड्स जैसी महामारी का भी खतरा है। वहीं अब राजस्थान में भी बॉर्डर से नशे को देश के भीतर
पहुंचाया जाने लगा। पंजाब में हमने जो सर्वे किया है यह ओपियोइड ग्रुप की ड्रग्स पर किया है। ओपियोइड यानी अफीम या अफीम जैसी दवाएं, जिसके अंदर हेरोइन, अफीम और कुछ दर्द निवारक दवाएं ये मुख्य रूप से शामिल हैं। पंजाब में सबसे बड़ी जो हमें चौंकाने वाली बात सामने देखी है वो देखी है कि अब काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग इंजेक्शन के रास्ते से हेरोइन का नशा कर रहे हैं, क्योंकि इंजेक्शन से नशा करना बड़ा घातक हो सकता है। इंजेक्शन से नशा करने वालों में अगर सुइयों का आपस में साझा करते हैं तो फिर एचआईवी एड्स की बीमारी फैलने का खतरा होता है। एक बहुत बड़ा खतरा है, अगर हम बात की जाए जितने भी नशीली दवाइयां हैं, चाहे वो ड्रग्स स्मोकिंग हो, लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू इंडिया में आ रहे, चाहे पाकिस्तान के थ्रू हो या बांग्लादेश के थ्रू हो, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी जो है इस पे कोई इसको बहुत बड़ा इशू मान नहीं रही है, क्योंकि सब लोग अपने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट है। ये बहुत बड़ा खतरा है, पुलिस और इसमें बहुत सपोर्ट कर रही है, कहते हैं जिसकी सरकार उसकी जय जयकार। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है हिंदुस्तान को खोखला करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसमें हिंदुस्तान अगर तरक्की करता है तो तरक्की से हिंदुस्तान के बाहर के लोग बहुत इससे गुस्सा करते हैं, किलसते हैं। सिर्फ यही लोग चाहते हैं हिंदुस्तान तरक्की ना करे। ड्रग्स जहाँ से आती है या वहाँ के पुलिस के साथ वहाँ के वो पॉलिटिकल पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। सबसे सियासत में हर फैसले की खास वजह होती है, हर मुद्दे का मतलब होता है। ऐसे ही एक सियासी फैसले का साइड इफेक्ट 10 साल बाद सामने आया है। देश के पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हंसराज भारद्वाज ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। भारद्वाज ने कहा कि साल 2005 में मनमोहन सरकार के वक्त उन पर बिहार में राष्ट्रपति शासन के पक्ष में फैसला लाने का दबाव था। भारद्वाज ने कहा कि सरकार के तीन मंत्रियों ने मुझ पर दबाव बनाया, सुप्रीम कोर्ट से यूपीए की पहली सरकार के पक्ष में फैसला न ला पाने की सूरत में उन पर कुर्सी छोड़ने का दबाव था। साथ ही भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार के पक्ष में फैसला न आने के चलते बूटा सिंह को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। देयर वॉज ए स्टेट वेयर प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड एंड सब्बरवाल वॉज लीडिंग द बेंच वेरी मच अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सो माई थ्री कोलीग्स इन द कैबिनेट दे केम टू मी, you are out now, you have survived so long and now this president rule will be quashed by supreme court and this minister is very prompt from where is very powerful, you are out. I said no problem, it is rashtrapati who has approved the proclamation, not me. So I took that stand. Then I thought, why can't I see Sabarwal? So I had full access to his house. We had coffee and discussion, but I could not muster the courage to tell him to help me. And those other judges who are still alive, they sat on the bench and quashed the president's proclamation, and government had a lot of trouble in Bihar. Bhuta Singh lost his job on that issue. पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज के बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। सुनिए कि जेडीयू और कांग्रेस क्या कह रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने कभी ऐसे संवेदनशील मामलों पर अपनी जुबान नहीं खोली। मैं जानना चाहता हूं कि वो श्री सब्बरवाल को प्रभावित करने के लिए गए ही क्यों? क्या जुडिशरी स्वतंत्र नहीं है? क्या कानून मंत्री जुडिशरी को प्रभावित करते हैं? इसीलिए जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल है उस पर नए तरीके से नए विचारों की आवश्यकता है। मैं किसी के टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आप उनसे क्यों नहीं पूछते क्या मतलब था उनका? आप उनसे पूछिए, बयान उनका है। हमने तो उसका पुष्टि भी नहीं किया, ना समर्थन किया, ना जाना ना जाना। आप उनसे पूछे। और आइए इस मामले से जुड़े कुछ और जानकारियां आपको देते हैं। बिहार में फरवरी 2005 में विधानसभा चुनाव हुए, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बीजेपी जेडीयू को कुल 115 सीटें मिली। बावजूद इसके तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह ने सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया। उन्होंने केंद्र से राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। राष्ट्रपति शासन के फैसले को बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पांच जजों की बेंच ने
3-2 के बहुमत से बिहार में राष्ट्रपति शासन को संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग बताते हुए राज्यपाल बूटा सिंह की रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित बताया। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन है और इस मौके पर बीएसपी की तरफ से तमाम कार्यक्रमों के न सिर्फ आयोजन हुए बल्कि खुद बीएसपी चीफ मायावती ने मोदी और मुलायम पर एक साथ हमला भी बोला। सियासत में समय और मौका अहम होता है। मौके की नजाकत और सियासी समीकरणों के मुताबिक सियासतदान बयानों के तीर चलाते हैं, हिसाब मांगते हैं, सवाल पूछते हैं। जी हाँ, मौका भी खास और शख्सियत भी खास। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपना 60वां जन्मदिन मना रही हैं, लिहाजा उन्होंने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी के अच्छे दिनों के वादों को झूठा करार दिया, पूछा कि काला धन कब आएगा। 100 दिन तो कब के बीत चुके हैं। जो अनेकों चुनावी वायदे किए थे, वे अच्छे दिन लाने के जो बढ़िया बढ़िया सपने दिखाए थे, वे अब अधिकांश या कोरे सपने ही बनकर रह गए हैं। और अब इस सरकार में अच्छे दिन नहीं बल्कि पहले से भी और ज्यादा बुरे दिन आ गए हैं। जन्मदिन के मौके पर मायावती को लोहिया भी याद आ गए। लोहिया की समाजवादी पाठशाला से पढ़कर निकले एसपी सुप्रीमो मुलायम का सैफई में मनाया गया जन्मदिन भी याद आ गया। मायावती ने अखिलेश सरकार पर सरकारी पैसे से सैफई में जन्मदिन का जश्न मनाने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। श्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन पार्टी व इनकी सरकार द्वारा भी इसे पूरे शाही तरीके से मनाया जाता है, जिस पर जनता व सरकार का अब तक काफी करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया गया है। यूपी में 2017 में चुनाव होने हैं। मायावती को अपनी खोई हुई सियासी जमीन की तलाश है, लिहाजा सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार पर तीखे वार किए गए। एससी एसटी और ओबीसी में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने की वकालत भी की। केंद्र की सरकार को संविधान में संशोधन करके या अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने का भी निर्णय लेना चाहिए था, तो ये सब ज्यादा अच्छा होता। यूपी में विधानसभा चुनाव को बस साल भर ही बाकी है, लिहाजा सूबे की फिजा अभी से बदलने लगी है। चुनावी चाशनी में डूबे वादों और दावों की अभी तो शुरुआत भर है। अवनीश विद्यार्थी, इंडिया 24/7, लखनऊ। और मायावती के हमलों का किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जवाब दिया वो भी सुनिए। वो नेताजी ने जन्मदिन अपना नहीं मनाया था, उनके पुत्र ने उनका जन्मदिन मनाया था। मैं तो कह रहा हूँ ना कि आपने तो जन्मदिन कंटेंजेंसी फंड से निकाल करके जन्मदिन मनाया था। मुंबई पहुंचकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर खिंचाई की। उनके निशाने पर महाराष्ट्र सरकार भी रही। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि मोदी सरकार की क्रेडिबिलिटी बहुत तेजी से नीचे गिरी है, वो गरीबों और मजदूरों को भूल गई है। राहुल ने कहा कि पीएम भाषण अच्छा देते हैं लेकिन काम के वक्त शांत हो जाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए कहा कि विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। बीजेपी की सरकार की क्रेडिबिलिटी बहुत तेजी से गिरी है। देश को आगे बढ़ाने के लिए बैलेंस की जरूरत है। स्टार्टअप्स की बात होती है, कनेक्ट इंडिया की बात होती है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, और ये सब बातें सही हैं, अच्छी हैं, मगर हिंदुस्तान में गरीब जनता भी है, कमजोर लोग भी हैं, मजदूर हैं, छोटे छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग, ये हिंदुस्तान उनका भी है, ये मुंबई शहर उनका भी है। और दुख इस बात का है कि ये सरकार उन लोगों को भूल गई। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल आज कांग्रेस में शामिल हो गए और अपने संगठन पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब यानी पीपीपी का कांग्रेस में विलय कर दिया। इस दौरान पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह, मनप्रीत सिंह बादल के अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता अंबिका सोनी और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद थे। अमरिंदर ने कहा कि हम लोग इस बात से खुश हैं कि मनप्रीत कांग्रेस से जुड़ गए।
मनप्रीत ने अपने चाचा प्रकाश सिंह बादल और भाई सुखबीर सिंह बादल के साथ मतभेद के बाद शिरोमणि अकाली दल छोड़ दिया था। मनप्रीत 2010 में राज्य के वित्त मंत्री थे। Has been done. This merger has taken about 6 long months. I had the honor of meeting Shri Rahul Gandhi on 3 occasions. And वहाँ पर जो तवज्जो थी, जो हमारा स्ट्रेस था, वो पंजाब का जो एजेंडा है, पंजाब के हालात तो सबको पता है, पर इसकी दारू क्या है, मर्ज तो सबको पता है, but पंजाब, how will you turn around पंजाब? That was an agenda which was sacrosanct, and that agenda was discussed threadbare with all the senior leaders sitting on my right and left, including the Vice President of Indian National Congress. दिल्ली में गाड़ियों के ऑड इवन फॉर्मूले का आज आखिरी दिन था। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वो अपनी मर्जी से इसे चालू रखें। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि ऑड इवन के चलते न सिर्फ दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ बल्कि सड़कों पर भीड़ भी कम हुई। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ऑड इवन फॉर्मूले की वजह से दिल्ली के अंदर पीएम 2.5 का लेवल 600 से कम होकर 400 के स्तर पर आ गया। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि ऑड इवन की कामयाबी के लिए 17 जनवरी को छत्रसाल स्टेडियम में थैंक यू डे मनाया जाएगा। सोमवार को दिल्ली सरकार ऑड इवन की कामयाबी की समीक्षा करेगी। दुनिया के सामने दिल्ली के लोगों ने एक मिसाल पेश की है। सबसे पहले तो जनता को बधाई, दूसरा दिल्ली पुलिस को बधाई। दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से इस पूरी मुहिम के अंदर सहयोग किया। एनसीआर से प्रभावित एरिया है, वहां पोल्यूशन लेवल 400 प्लस था, वहां पर 300 के एवरेज में डेटा रहा है, यानी कि 400 से 300 पर आया है। सुनंदा पुष्कर हत्याकांड में सुनंदा के पति और कांग्रेस सांसद शशि थरूर की मुश्किल बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक शशि थरूर का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जा सकता है। दरअसल एम्स में सुनंदा की बिस्तरा रिपोर्ट आज दिल्ली पुलिस को सौंप दी। रिपोर्ट में कहा गया कि सुनंदा की मौत अप्राकृतिक वजहों से हुई। रिपोर्ट में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को मौत की वजह नहीं बताया गया। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने भी कहा है कि अब साफ हो चुका है कि सुनंदा की मौत सामान्य नहीं थी। दिल्ली पुलिस शशि थरूर से पूछताछ की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी ने सुब्रमण्यम स्वामी ने थरूर की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक होटल में सुनंदा पुष्कर का शव मिला था। अक्टूबर 2014 में मेडिकल टीम ने कहा था कि सुनंदा की मौत जहर से हुई। इसके बाद 6 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर के हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इन्वेस्टिगेशन क्या रुक लेगी जब तक हम कंक्लूड नहीं करते तब तक कहना कभी भी संभव नहीं होता। बट एज फार एज जो इन्वेस्टिगेशन हमारी अब तक हुई है, जब हमारे पास जो मेडिकल एविडेंस अब तक है उसके बेसिस पे एक बात क्लियर है कि डेथ इज नॉट नेचुरल, इट इज अननेचुरल। ही शुड बी टेकन इनटू कस्टोडियल इंटरोगेशन एंड इंटरोगेटेड एंड देयर शुड बी नो फर्दर डिले, अदरवाइज आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू फाइल अ पीआईएल इन विच आई विल आस्क फॉर अ कोर्ट मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस मैटर। आज सेना दिवस है। दिल्ली के आर्मी कैंट में आयोजित समारोह में रणबांकुरों ने अपना शौर्य दिखाया। जमीन से लेकर आसमान तक जवानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। दिल्ली के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। वीर सपूतों को नमन किया गया। भारत और जापान के तटरक्षकों ने बंगाल की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया है। इसके जरिए जहाजों के अपहरण से लेकर उसे बचाने तक कई गतिविधियों का अभ्यास किया गया। सहयोग काइजन एक्सवी नाम के इस अभ्यास के तहत जहाजों, हेलीकॉप्टरों और भारतीय जवानों ने भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक वाइस एडमिरल एच सी एच बिस्ट और जापान कोस्ट गार्ड के वाइस कमांडेंट
वाइस एडमिरल हेडियो हरामिजू के नेतृत्व में प्रशिक्षण लिया। इस अभ्यास का मकसद संकट की घड़ी में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना है।